हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो वाइब्रेशन मेजरमेंट हम लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे, वाइब्रेशन यूनिट 5 का, ठीक है। तो पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम देखेंगे फेज डिस्टॉर्शन और कुछ इस यूनिट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वैसे तो इस यूनिट से न्यूमेरिकल आने का कोई उतना चांस है नहीं एग्जाम्स में, बट हम एक आर्क न्यूमेरिकल कर लेंगे, ताकि क्योंकि जो भी इस वाइब्रेशन के कोई भी न्यूमेरिकल, किसी भी यूनिट का न्यूमेरिकल आप करोगे तो आपको हमेशा आपको जो न्यूमेरिकल है वो रिलेट कराएगा यूनिट 1, 2, 3 से, समझे। तो एज अ प्रैक्टिस आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेज डिस्टॉर्शन की बात करेंगे, क्या होता है फेज डिस्टॉर्शन, कैसे होता है, एंड देन न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं हूँ आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फेज डिस्टॉर्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो एक्सेलेरोमीटर था, ठीक है, जो एक्सेलरेशन मेजर करता था, या फिर आपका बोलर या बोला जाए वाइब्रोमीटर जो कि वेलोसिटी मेजर करता था, ठीक है। तो एज एग्जांपल एक्सेलेरोमीटर हम ले रहे हैं, आपके पास एक एक्सेलेरोमीटर है और कोई मशीन आपके सामने वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। आपने एक्सेलेरोमीटर उस पर लगाया उस वाइब्रेशन मेजर करने के लिए। तो नॉर्मली आप देखोगे जो वाइब्रेशन निकल के जो आ रहा है, जिसको एक्सेलेरोमीटर कैच कर रहा है, वो सेम नहीं है एज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अलग अलग अमाउंट से आपको एनर्जी आ रही है। जैसे आईसी इंजन जब चल रहा है, ठीक है, आप आईसी इंजन जब चल रहा है और नॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से आपने उसमें लगाया है एक्सीलरोमीटर उसकी वाइब्रेशन मेजर करने के लिए, तो आप ध्यान दोगे जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो इंजन का ऊपर इंजन और तेजी से चल रहा है, फिर कम, फिर तेजी, ऐसे वेरिएबल्स हो रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हो रहे हैं, इस वेरिएबल्स के कारण आपका वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी वो भी अलग अलग अमाउंट से ट्रांसफर होगी। जब अलग अलग अमाउंट से ट्रांसफर होगी फ्रिक्वेंसी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी साले जितने हमारे आ रहे सबके फ्रिक्वेंसी भी अलग होंगे। तो ड्यू टू दिस हमारा क्या होता है, जो पहला वाला फ्रिक्वेंसी होता है ऐसा होता है कि वो 0 डिग्री से निकल गया हो, दूसरा फ्रिक्वेंसी 90 से, तीसरा 180 से, तीसरा फोर्थ 270, 360, ऐसे उनके फेस एंगल भी अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी जब आप किसी का एक्सेलेरोमीटर लगाकर, आप मैकेनिकल एक्सेलेरोमीटर लगा के जब किसी बॉडी का वाइब्रेशन मेजर कर रहे हो और फिर ग्राफ पे उसकी फ्रिक्वेंसी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इनपुट सिग्नल हो गया, समझ लीजिए ये इनपुट सिग्नल ऐसे आ रहा है और आउटपुट आपको ये आ रहा है। तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो लैग आपको दिख रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, अब ये देखो ये जो लैग दिख रहा है दैट इज द फेज डिस्टॉर्शन और फेस एंगल डिस्टॉर्शन। अब अलग अलग अमाउंट से वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगी, और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तो जरूरी नहीं है सेम उसका फेस एंगल होगा, फेस एंगल अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग ही यहाँ पे हो रहा है, जब अलग फेस एंगल आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अलग अलग मिल रहा है और आपको ऐसा कुछ ग्राफ आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेस डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। ऑल वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जिबिट फेस लैग, ओके, दस द रिस्पॉन्स और आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लैग बिहाइंड द मोशन और इनपुट इट मेजर। जो इनपुट आ रहा है और जो आउटपुट आपको रिजल्ट मिल रहा है उनके बीच में फेस लैग, जो आपको अभी यहाँ पे दिखा देखने को मिला था, ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट, इनके बीच में क्या हो रहा है, ये ड्यू टू अलग अलग फ्रिक्वेंसी कारण, अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी के कारण आपको ये फेस डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। नाउ द टाइम लैग इज गिवन बाय द फेस एंगल डिवाइडेड बाय द फ्रिक्वेंसी W. The time lag is not important if you measure a single harmonic component. For single harmonic component की बात करेंगे तब उसमें हम time को नहीं include करेंगे कि इस time पे vibration ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, phase angle ये है, ठीक है। But जब harmonic signal आ रहा है then okay. Now, but occasionally the vibration to be recorded is not harmonic. But जब आप real life में देखोगे, real life में कोई भी vibration आपको ऐसा harmonic नहीं मिलेगा। Due to this, the sum of two or more harmonic component in such a case, the recorded graph may not give an accurate picture of the vibration. Okay, therefore, because different harmonic have may be amplified by different amounts and their phase shift may also be different. Okay, so the distortion in the waveform, जो आपका वेव बन रहे हैं उनके में जो डिस्टॉर्शन हो रहा है ड्यू टू फेस लैग, जो एंगल जो चेंज हो रहा है उनके, that is called the phase distortion or the phase shift error.
ओके तो नॉर्मली हमारा जो इक्वेशन आता है इसका दैट इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी पहले वाले के लिए, ए टू दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड दूसरे वाली वेव फॉर्म की एम्पलीट्यूड ए टू साइन टू ओमेगा टी, फिर ऐसे तीसरे वाले का ए थ्री साइन थ्री ओमेगा टी ऐसे डेट इट ओके एंड दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल एंड यू सी हियर सम ऑफ द फेस लाइक इन आउटपुट सिग्नल क्लियर ओके नाउ अब हम एक छोटी सी ये भी टॉपिक कवर करेंगे एनालिसिस ऑफ वाइब्रेशन रिकॉर्ड। वाइब्रेशन रिकॉर्ड की एनालिसिस क्यों करते हैं ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, वाइब्रोमीटर पढ़ा आपने, एक्सीलरोमीटर के पढ़ा, वाइब्रेशन मेजरमेंट अलग अलग आपने उनका वर्किंग पढ़ा, ये सब देखा ठीक है। नाउ जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो अपने कंप्यूटर पे अपने डेस्कटॉप पे उस वाइब्रेशन के ग्राफ को, या फिर ग्राफ आप नॉर्मली जो मशीन से मैकेनिकल ग्राफ बनकर आता है जब उसको आप देखोगे उससे एनालिसिस करोगे तो वो जो रिकॉर्ड्स आए हैं वाइब्रेशन के उनको क्या जरूरत पड़ी आपको उसकी रिकॉर्ड को एनालिसिस करने का ओके इसको देखते हैं। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द वाइब्रेशन डायरेक्टली यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशन रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड फॉर वाइब्रेशन मेजर क्लियर। मतलब हम इसमें क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं कि अगर इस मशीन में अगर हम 20 वाइब्रेशन कुछ 20 हर्ट्ज से हो रहा है तो उसका जो रिकॉर्डेड ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बने। फॉर एग्जांपल आपकी मशीन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कर रही है तो उसका जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो समझ लीजिए कुछ ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है ठीक है ऐसा बन रहा है। ये आपका स्टैंडर्ड आपने रिकॉर्ड किया है एक एक डिवाइस बनाया उसको कैलिब्रेट किया और उससे आपने अलग अलग वैल्यू पे आपने ऐसा एक रिकॉर्ड बना के रखा है कि भाई इतना आएगा इतना। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने डिवाइसेस आपने बनाया है वाइब्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए सब एक्यूरेटली काम कर रहा हो उनकी कैलिब्रेशन सही हो। सो फॉर दैट हम एक स्टैंडर्ड रिकॉर्ड बना के रखते हैं वाइब्रेशन का कि इतने हर्ट्ज पे जो वाइब्रेशन हमें मिलतेगा उसकी ग्राफ ऐसी होगी इतनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी इतनी एम्पलीट्यूड होगी उसकी फेस एंगल इतनी होगी उसके डिस्टॉर्शन इतना होगा ओके दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू फाइंड द फिजिकली एकम्पेसिबल सिस्टम विच फिट्स द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द सिस्टम एज क्लोजली एज पॉसिबल or to find a mathematical description system theek hai now usually a single force is used and measured in addition to the response so that the response characteristic of the system under test can be determined the object of this type of analysis will be identification of natural frequency and mode shifts kyun aap record karke rakhte hain बिकॉज आप इजिली आइडेंटिफाई कर लें कि उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी उसकी मोड शेप क्या होगा। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक डैम्पिंग फैक्टर इक्विवेलेंट मास एंड स्टिफनेस ऑफ द मशीन ओके नाउ चेकिंग थियोरिटिकल डिराइव्ड रिस्पॉन्स फंक्शन अगेंस्ट मेजर डाटा फॉर वेरीफाइंग एन एनालिटिकल मेथड ये भी क्लियर है। आप जो हमारा हम चेक करेंगे जो थ्योरेटिकली आपने जो डेरिवेशन करके जो आपकी वाइब्रेशन का आया है और जो हम मशीन किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ले रहे हैं तो उनको हम देखेंगे दोनों कैसा दोनों का रिजल्ट क्या है उनको मेल करके हम चेक करेंगे ठीक है। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ अ मैथमेटिकली मॉडल ऑफ द एनालिस स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर एनालिसिस बाय सिमुलेशन ठीक है। Now, अब एक न्यूमेरिकल हम आगे मूव करेंगे। ये एक्चुअली एकदम थ्योरी टॉपिक है ना इंटरेस्ट नहीं आता इसको हो गया आप मेन मेन टॉपिक क्लियर कर लेना बाकी आप इजीली इसको इस यूनिट को आप कवर कर सकते हो ठीक है। ना अब एक क्वेश्चन है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विथ मास 113 केजी इज टू बी इंस्टॉल्ड एट व्हाट इज दिस ये तो इसको दिख ही नहीं रहा ये ये एक्चुअल में है क्या ये क्वेश्चन जस्ट वेट ओके एक्चुअली क्वेश्चन है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विथ मास 113 केजी इज टू बी इंस्टॉल्ड एट अ लोकेशन वेयर द एक्सीलरेशन इज 0.1524 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज and it is proposed to mount the instrument on a rubber pad with the following properties where the k is equal to 280
तो ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास 113 kg है, उसको आप ऐसी जगह रखे हो जहां पे उसकी जहां पे रखे हो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 Hz है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो एक्सिलरेशन एम्पलीट्यूड बन रहा है इट इज 0.1524 m/s². क्लियर। नाउ अब आप उस इंस्ट्रूमेंट को आप रबर पैड पे रख दे रहे हो जिसकी स्टिफनेस 280.2 K की वैल्यू 280.2 kN/m है एंड काई इज इक्वल टू 0.1। इन दैट केस व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड टू द इंस्ट्रूमेंट। ओके तो देखो मास आपको पता है, क्लियर। देखा जाए जैसे ये रहा मास, मास 113 kg पता है। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास। क्लियर। नाउ एफ क्या है, एफ है हमारा दैट इज फ्रीक्वेंसी, जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 20 Hz। एंड हमारा ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, 2 πf, ठीक है, 2 πf। नाउ 2 π इनटू 20, एफ इज 20 Hz, देन दिस इज इक्वल टू 125.66 रेडियन पर सेकंड। क्लियर। के की वैल्यू दी हुई है किलो न्यूटन में, इसको न्यूटन में मीटर में करो, और इकाई की वैल्यू 0.1। क्लियर। नाउ अब हमें एक्सेलरेशन नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है आपको जो रिलेटिव एम्पलीट्यूड जो निकालना है उसको ऐसे समझें। देखिए अगर आपको एक्सेलरेशन किसी बॉडी, अब देखो यहां आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमारा दिया हुआ है कि जब वो नहीं रखा था इन डेंट केस, इसलिए हम वाई लिए हैं, ठीक है, और जेड किसका वाइब्रेशन है, हम जब रबर पैड पे रख रहे हैं इन डेंट केस में बॉडी में क्या वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड। अब और आपको एक ये रिलेटिव एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पता होगा, रिलेटिव एम्पलीट्यूड मतलब एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वाइब्रेशन हो रहा है दैट इज द रिलेटिव एम्पलीट्यूड। जेड इज द रिलेटिव, जेड इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी एंड वाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिवाइस बोले या फिर दूसरा बॉडी बोले, ठीक है। इन दैट केस जो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2 eta 2 kai ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको इस इक्वेशन से आपको एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा हमारे मेन बॉडी का, लेकिन केस में तो आप ध्यान दोगे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ठीक है। ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो अपन क्या करेंगे, ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है का होल स्क्वायर, तो ओमेगा एन होल स्क्वायर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाई को हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई ओमेगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो जेड ओमेगा एन का होल स्क्वायर ओमेगा एन फॉर किसके लिए, एक्सिलरेशन फॉर्मूला बन गया हमारे बॉडी में वो रबर पैड पे है, ठीक है। अब तो देखो ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे ओमेगा एन आपका है 125, क्लियर। आपको ये ओमेगा एन की वैल्यू क्लियर है, आपको ओमेगा की वैल्यू पता है, ठीक है ना। ओमेगा एन की वैल्यू पता, सबसे पहले तो आप क्या करोगे फ्रीक्वेंसी रेशियो निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में ओमेगा अपॉन ओमेगा एन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो इन दैट केस आप करना क्या है आपको, तो आप यहाँ ध्यान दोगे कि ओमेगा अपॉन ओमेगा यहाँ फॉर्मूला में आ रहा था, कोई वैल्यू चाहिए ओमेगा अपॉन ओमेगा एन दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो। आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू तो है, ओमेगा एन दैट इज 2 πf ये वैल्यू, बट ओमेगा की वैल्यू नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, या फिर आप देखा जाए सॉरी 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 इट्स मिस्टेक, ये ओमेगा एन नहीं होगा, आप नॉर्मल निकाल रहे हो तो ओमेगा उसके लिए डोनेट कर रहे हो ना जब वो रबर पैड पर नहीं रखा है। इन दैट केस दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 125.66 रेडियन पर सेकंड, क्लियर ना। तो आपके पास ओमेगा एन कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ओमेगा एन का एक और फॉर्मूला पता होगा आपको, फ्रीक्वेंसी रूट के अपॉन एम, क्लियर, वेयर के इज इक्वल टू 280.2 × 10³ अपॉन 113 मास, ठीक है। सो डिवाइड करो तो आपका आएगा 49.8 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा एन की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करो तो आपका वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2.523, क्लियर ना। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, अब सारे वैल्यूज आप पुट कर दोगे आपका आंसर निकल आएगा, जैसे दिखाता हूँ।
एक्सीलरेशन ट्रांसमिटेड विल बी जेड ओमेगा, इनको हमने इधर कर दिया, ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया, ये बन गया आपका एक्सीलरेशन का, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू पता है आपको, वाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर, अभी आपने जिस पीछे कैलकुलेशन किया था अगर देखा जाए तो आप इसको ध्यान से देख लो, ये देखो कैलकुलेट किया था वाई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इतना दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यू वैल्यू पुट किया, 2 इंटू ईटा 0.1 ओमेगा अपॉन ओमेगा एंड 2.523 सॉल्व करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा 0.0282 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो कुछ फॉर्मूला आप ट्रिक्स जान लीजिए, टिप्स ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वाइब्रेशन के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का टिप्स जान लीजिए, क्लियर। इसी न्यूमेरिकल में एक टिप्स छुपा हुआ है, ठीक है, क्लियर। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा, ठीक है, यहाँ मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्लियर, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, वाइब्रेशन का आप कोई भी यूनिट कर लो आपको ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, बस ये हमारा जो 3, 2, 5 फॉर्मूला है, ये वाइब्रेशन के हर एक न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, और ये आपके माइंड में अगर है ना तो आप वाइब्रेशन के कोई भी न्यूमेरिकल को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइंड में रखना, ठीक है, तो इसमें याद रखना ये ओमेगा केस में ले रहे हैं तो ओमेगा, ठीक है, क्लियर। ओके, तो थैंक यू, और इसी तरह हमारा यूनिट 4 खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।